विज्ञान का पेपर क्या हुआ, खत्म हो गया और आप लोगों ने बहुत ही शानदार क्या किया। विज्ञान का पेपर था जो मैंने आपको पढ़ाया था, लिखाया था, उसी 90% क्वेश्चन क्या हुआ था आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए आया था। मेरे भी वायरल पेपर कराया था, उसी में से प्रश्न आया है। आप लोग कमेंट करके भी मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पेपर का हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करा देते हैं। कोड है 824IJ है, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन आपको करा देते हैं। यहाँ पे सारी चीज आप लोग देख सकते हैं, ये तो निर्देश आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चनों पे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ था, प्रतिबिंब सदैव बनता, आपको बताना था कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव कहाँ पे बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में क्या होता है, सदैव प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। चलिए पेपर के पेज को पलटते हैं और अगला प्रश्न आपको दिखा देते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर विलंब से दूर हटती है तो वह क्या होता है। यहाँ पे चार विकल्प आपको दिया गया था, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। जब क्या होता है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, विलंब से दूर हटता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिखेगा आपको, न्यूमेरिकल प्रकार का न्यूमेरिकल भी मैंने क्या कहता आपको सोल्व कराया था, और इसको जब सोल्व करिएगा ना तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे बी वाला आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर दूरी पर दुष्ट के दूसरी और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चौथा जो प्रश्न है यह हमसे पूछा हुआ है, प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कौन सा होता है। तो आप सभी को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, लाल से दूर होता है, चूंकि हमको आधार से पूछा हुआ, तो आधार से जो होता है हमारा लाल रंग होता है। यहाँ पे देखिए पांचवा जो प्रश्न आपको दिया गया था, यह भी प्रश्न मैंने बताया था, प्रश्न आपको दिया गया था एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना ये क्या है, आवेश का मात्रक है, क्योंकि फार्मूला आपका होता है क्यू बराबर क्या होता है आईटी होता है, आई का मात्रक एम्पियर और टी का होता है समय, तो इसीलिए आवेश का हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे छह नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, थोड़ा सा क्या था त्रिकोण था, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी सभी प्रश्नों का आपको मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आपको दिखाते हैं सात नंबर का प्रश्न क्या आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और देखिए यहाँ पे जिस बच्चे का मैं करा रहा हूं उसने क्या किया था, गलत टिक किया था, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें टिक ऑलरेडी किया गया है, यानी किसी बच्चे ने, यानी जिस बच्चे का ये पेपर उसने क्या किया इस पे टिक किया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में उन्होंने गलती कर दिया है, तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे आपको समझना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसी को टेस्ला भी बोला जाता है। और आठ नंबर का जो प्रश्न आपके सामने आया था, मेथेन का यहाँ पे संरचना सूत्र पूछा था, तो मेथेन का जो आपका सूत्र होता है CH4 होता है, यानी एक कार्बन होता है और चार क्या होता है हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है गलत कर दिया है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि समजातीय श्रेणी है, तो जातीय श्रेणी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है, इस बच्चे का भी सही है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको बताना था, तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने गलत कर दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है करेक्ट आंसर आपका, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न मैं लगातार आपसे बता रहा था कि इसको तैयार रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो ये क्या होता है 7 होता है। यहाँ पे बच्चे ने भी इसका किया है सही किया है, और इस प्रश्न को भी मैंने कराया था कि एंटीमनी क्या है, तो मैंने बताया था आपको याद रखना उपधातु है, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड के 90% क्वेश्चन क्या हुआ, मेरे वायरल पेपर से ही आया है। पलटते हैं और 13 नंबर का प्रश्न का सोल्यूशन, 13 नंबर का प्रश्न जो दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे आपको भरना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, इस बच्चे ने भी क्या किया है सही किया है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद से बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे, और यहाँ पे पहला पूछा हुआ कि कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है, तो ATP को कहा जाता है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पित्त रस का स्त्राव होता है यकृत से, तो लीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। और ये भी प्रश्न मैंने आपसे बोला था कि भाई इसको तैयार करिए कि पराग कोष में क्या होते हैं, तो पराग कोष में पराग कण होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है गलत टिक किया है। और यहाँ पे देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, आपको बताना है कि किसमें पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ब्रायोफिलम हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे ने इनमें से भी लगा दिया, तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग कर दिया उस बच्चे ने। कहा है कि एकलंगी फूल का उदाहरण, तो इसको मैंने बताया था पपीता का फूल होता है, और ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था कि स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, 180 होता है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पेपर के पेज को पलटते हैं और अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर का दिया गया, मेरे वायरल पेपर का ही प्रश्न है, बिल्कुल 20 नंबर पे ही मैंने इस प्रश्न को रखा था। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घास बकरी मानव बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद से वर्णनात्मक प्रश्न भी दिया गया था, तो इस तरह के सारे प्रश्न मैंने क्या किया था आपको कराया था, ये 23 नंबर का प्रश्न मैंने कराया था आपको। यहाँ पे देखिएगा ये भी प्रश्न मैंने क्या किया था वायरल पेपर में आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं संरचना सूत्र लिखना है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया ही था कि कैसे लिखना है। आपको अगला जो प्रश्न पूछा गया था विद्युत रज को स्पर्श कीजिए इसका दो अनुप्रयोग बताइए, तो इसको भी मैंने बताया था, पूरा वायरल पेपर का ही प्रश्न है। मिश्र धातु के बारे में आपको बताया गया था, यहाँ पे मैंने बताया कि HCHO का IPSC नाम आपको लिखने के लिए मैंने बताया था, तो इसका जो IPSC नाम हो जाएगा मेथेनल हो जाएगा, आपको याद रखना, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए कार्बन की संयोजकता पे एक टिप्पणी लिखी, ये भी आपको बताया ही गया था, बेकिंग पाउडर वाला भी बताया गया था। ये सारे जितने भी प्रश्न देख सकते हैं
बायोलॉजी, लिंग गुणसूत्र को भी मैंने बताया था, तंत्रिका तंत्र को भी बताया था। यहाँ पे आपको ये वाला प्रश्न मैंने नहीं बताया था, मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को, वायरल पेपर का प्रश्न है। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि 90% क्वेश्चन क्या हुआ था मेरे वायरल पेपर से आया था। और एक ही विषय नहीं, सभी विषयों में क्या होते हैं मेरे वायरल पेपर के प्रश्न क्या होते हैं, लड़ते हैं। तो जहां अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान का, कला का अच्छे से तैयारी करना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं डेली क्या करता हूँ, लाइव क्लास के माध्यम से भी क्लास लेता हूँ और मेरे विषय का साथ साथ सेट वायरल मॉडल पेपर डाला जाता है और उसी में से प्रश्न क्या होता आता है। अपने सेक्शन में जरूर बताइए कि जो भी बताया उसमें से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना परसेंट क्वेश्चन मेरा क्या हुआ था आपके पेपर में लड़ा था। तो आई थिंक आपका इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।